गोरखपुर न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। 15 अक्टूबर से जिले के 130 धान क्रय केंद्रों पर शुरू होगी धान की खरीद। जिलाधिकारी ने किसानों से की अपील, कहा ना पड़े बिचौलियों के चक्कर में, धान क्रय केंद्रों पर ही बेचे अपना धान, भुगतान सीधे होगा आपके खाते में। उरवा थाना क्षेत्र के हरिजनपुरा गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में एक 17 वर्षीय नाबालिग युवती की हुई मौत। एसपी साउथ ने कहा 4 नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा किया गया पंजीकृत, जल्द की जाएगी गिरफ्तारी। गुलहरिया थाना क्षेत्र के सरैया बाजार के पास दो पक्षों में हुई मारपीट और पथराव का सोशल मीडिया पर एक वीडियो हुआ वायरल। वीडियो के आधार पर हवाई फायरिंग की हुई पुष्टि। एसपी नॉर्थ ने कहा पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर 10 आरोपियों को भेज चुकी है जेल, शेष अभियुक्तों की जल्द होगी गिरफ्तारी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अभियोजन विभाग ने किया जिले में लंबित मुकदमों की समीक्षा, कहा महिलाओं और बच्चों से संबंधित मुकदमों का किया जाए अति शीघ्र निस्तारण। परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में चयनित सहायक अध्यापकों को 16 अक्टूबर को मिलेगा नियुक्ति पत्र। डीएम ने कहा 16 अक्टूबर को जिले में मिलेगी लगभग 600 लोगों को नौकरी। मंडलायुक्त की अध्यक्षता में संपन्न हुई खरीफ विपणन वर्ष के धान खरीद से संबंधित तैयारियों की मंडलीय समीक्षा बैठक, कहा धान खरीद में ना बरते कोताही, शिकायत मिलने पर होगी कार्रवाई। अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने ज्योति हॉस्पिटल की जांच। पंजीकरण न होने पर स्वास्थ्य विभाग ने चिकित्सालय के अल्ट्रासाउंड मशीन व ओटी को किया सील, हॉस्पिटल को बंद करने का दिया आदेश। जिला अस्पताल में पहुंचने वाले मरीजों के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला परिसर में खुलेगा 24 घंटे कोरोना जांच केंद्र। जिलाधिकारी ने किया निरीक्षण, कहा अस्पताल में आने वाले मरीजों की 24 घंटे हो सकेगी जांच, उपचार में मिलेगी सहूलियत। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के तत्वावधान में दर्जनों राज्य कर्मचारियों ने सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से प्रधानमंत्री महोदय को संबोधित 18 सूत्रीय सौंपा ज्ञापन, अपनी मांगों को अविलंब पूरा करने की मांग। गोरखनाथ थाने के एसएसपी जोगिंदर कुमार ने किया निरीक्षण, कहा नए मॉडल में बनेगा गोरखनाथ थाना, उपलब्ध होगी सभी आधुनिक सुविधाएं। जिले में सहायक अध्यापक के 599 पदों के भर्ती प्रक्रिया के लिए बीएसए कार्यालय पर अभ्यर्थियों की हुई काउंसलिंग। बीएसए ने कहा 16 को वितरित होगी नियुक्ति पत्र। गोरखपुर में बुधवार को मिले 152 नए कोरोना संक्रमित मरीज, एक की हुई मौत। जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 17,615। एक्टिव मरीज हुए 1,467। सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की पुष्टि। नगर निगम कर्मचारी समन्वय समिति के बैनर तले नगर निगम के कर्मचारियों ने किया धरना प्रदर्शन, अपनी विभिन्न मांगों के संबंध में नगर आयुक्त के माध्यम से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को प्रेषित किया ज्ञापन। आज किलो गांजा के साथ बड़हलगंज पुलिस ने एक शातिर गांजा तस्कर दीपू को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। उर्वरक विक्रेताओं में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए एसबीआई ने मुख्य शाखा पर लगाया एक दिवसीय कैंप। सहायक महाप्रबंधक ने कहा डिजिटल पेमेंट से होगी समय की बचत। और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश सचिव की अध्यक्षता में संपन्न हुई ब्लॉक अध्यक्षों की बैठक, संगठन को ब्लॉक स्तर तक मजबूत बनाने पर हुई चर्चा।